हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजे फैक्ट्री में। दोस्तों मैं सोनू और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भैया लेज़र लाइट दिखाइए, अच्छी से लेज़र लाइट दिखाइए। तो ये लेज़र लाइट रहने वाली है आज की वीडियो के अंदर, 6 हेड फैट बीम के नाम से ये लेज़र रहती है। अगेन बात की जाए यहाँ पर इस लाइट की यूज़ की, तो मल्टीपर्पज यूज़ में इसको ले सकते हैं, रोड शो, क्लब्स, लॉन्च वगैरह सभी में ये यूज़ होने वाली है। और जहाँ भी भाई, सबसे मेन बात यह है कि जहाँ भी लगेगी भाई माहौल बना देगी ये लाइट, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस लाइट को लगने के बाद। क्राउड में तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, डिटेल्स भी जानेंगे, इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो बिना देर करे करते हैं वीडियो को शुरू। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों कुछ इस प्रकार की पैकिंग के अंदर ये लाइट रहने वाली है। यहाँ पर एक ऑफसेट की पैकिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगेन यहाँ पर बात की जाएगी ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइट जो रहने वाली है क्यूब कंपनी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, क्यूब कंपनी का काफ़ी नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पर ये जो लाइट रहने वाली है ये रहने वाली है क्यूब कंपनी की तरफ से। जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। बेसिकली दोस्तों कुछ इस प्रकार की पैकिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ये लेज़र वायर पूरे तरीके से कवर्ड की गई है, यहाँ पर फोमिंग के साथ। अगेन यहाँ पर एक वाटर प्रूफिंग भी दी गई है। जल्दी से मैं इसको निकालता हूँ बाहर और आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर मिलता क्या गया है। तो यहाँ से पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं 2 हुक्स, जो कि ट्रस वगैरह के लिए क्लैंप पर हैंग करने के लिए यहाँ पर 2 हुक्स दिए गए हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा हैवी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगेन यहीं पर आपको देखने के लिए मिलती है एक मैनुअल गाइड, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया है, 6 आईज वैग लेज़र। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से यहाँ पर फंक्शंस बताए गए हैं, एक तरीके की गाइड होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको इसको संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप पहली बार यूज़ करने वाले हैं। अगेन बात की जाए यहाँ पर पावर कोड की, तो यहाँ पर SPCON पावर कोड दी गई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर यहाँ पर पावर कोड रहने वाली है। तो दोस्तों अब मैं जल्दी से निकाल लेता हूं इसको बाहर और बात करते हैं बाकी डिटेल्स पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है पावर कोड के लिए इनपुट और आउटपुट्स, यहाँ पर SPCON सॉकेट्स में दी गई है। अगेन यहीं पर DMX की इन और आउट दी गई है। यहाँ पर एक फ्यूज़ यूज़ में लिया गया है, जिससे कि कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। अगेन बात की जाए यहाँ पर कितनी लेज़र लाइट मिल रही, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेज़र लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक लेज़र लाइट की वोल्टेज की बात की जाए तो 1 वोल्ट रहती है, टोटल 6 वोल्ट की ये बार रहने वाली है। अगेन यहीं पर बात की जाए इसकी रोटेशन की, तो ये लेफ्ट राइट रोटेशन के लिए दी गई है। यहाँ पर ये आपको लेफ्ट राइट रोटेशन मिल जाता है। अगेन यहाँ पर आपको 360 डिग्री के लिए मूविंग के लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है। अगेन बात की जाए यहाँ पर ये जो इसकी साइड है दोस्तों, ये दोनों साइडें प्योर एल्युमिनियम की बनी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक बॉडी का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर ये भी एल्युमिनियम की दी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर साइड में आपको मोटर दी गई है, जो कि बेल्ट, जहाँ से आपकी बेल्ट चलेगी, इस मशीन की जो बेल्ट चलेगी मूविंग करने के लिए, यहाँ पर मोटर लगी हुई है। अगेन यहाँ पर आपको बेल्ट भी मिल जाती है। उसी के साथ साथ बात की जाए तो लेज़र कितनी रहने वाली, दोस्तों लेज़र रहने वाली है ये रहने वाली रेड लेज़र। अगेन वही बात की जाए इसके फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है एक LED डिस्प्ले, जो कि रहने वाली है डिजिटल डिस्प्ले। अगेन यहाँ पर मेन्यू, अप डाउन और एंटर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगेन बात कीजिए यहाँ पर इसकी बिल्ट क्वालिटी की, तो बिल्ट क्वालिटी रहने वाले मेटल और एल्युमिनियम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेटल बॉडी और एल्युमिनियम का यूज़ लिया गया है। अगेन बात कीजिए यहाँ पर 6 बीम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बीम की अगर बात की जाए यहाँ पर, एक बीम की, एक लेज़र की बात की जाए, तो यहाँ पर 1 वॉट की एक लेज़र आपको देखने के लिए मिल जाती है। टोटल 6 वॉट की ये बार रहने वाली है। अगेन बात की जाए इसका कलर कौन सा रहने वाला, तो रेड कलर के अंदर ये लेज़र बार आपको देखने के लिए मिल जाती है। बात की जाती है यहाँ पर इसके ऑपरेशन मोड की, कि ये किस किस तरीके से चल सकती है। तो यहाँ पर आपको प्ले करने के लिए ऑपरेशन मोड्स दिए गए हैं, स्लेव, साउंड, DMX और मास्टर। तो बेसिकली दोस्तों ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। आप चलते जल्दी से कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग।
लेजर बार की कुछ डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग का आप सभी ने काफी ज्यादा मजा लिया होगा, भर भर के मजा लिया होगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको, इस लाइट को आप मल्टीपर्पज यूज में ले सकते हैं, रोड शो, क्लब, लॉन्च, कहीं भी लगा सकते हैं, क्राउड में काफी ज्यादा मजा देने वाली है। रेंज भी काफी अच्छी है इसकी, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी लगी यहाँ पर। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आप सभी ने इसका काफी ज्यादा मजा लिया होगा, पूरी स्पेसिफिकेशन ध्यान से देखी होगी, टेस्टिंग का भी मजा बहुत तरीके से लिया होगा। तो अगर आप भी इस लेज़र बार को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी का नंबर दिए देता हूं, आप लोग यहां से इसको खरीद सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिकेशन इसकी छूट गई तो उसके बारे में भी आप लोग नीचे कंपनी के नंबर से पता कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। मिलता हूँ इस तरीके किसी और नई और तड़कती भड़कती वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।